यमुनानगर जिला सचिवालय की पहली मंजिल पर एसपी कार्यालय के ठीक पीछे से निकल रहे धुएं का यह अंबार बता रहा है कि यहां कितनी भयंकर आग लगी हुई है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एम्बुलेंस और दमकल विभाग की गाड़ियों के सायरन से पूरा सचिवालय गूंजने लगा। आग के कारण लोगों में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। बता रहे बचाव दल ने लोगों को रस्सी के सहारे सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। दरअसल यह जिला प्रशासन द्वारा की गई एक मॉक ड्रिल थी, जिसमें आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बचाव टीमें रिहर्सल करती हैं। आज ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत आज एक स्मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर हमने हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है एज रिगार्ड्स डीलिंग विद डिजास्टर रिलेटेड एक्टिविटीज़, वो हमने चेक करी है, जिसके अंदर विभिन्न विभागों का काफ़ी सहयोग रहा, चाहे फायर डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो या रेड क्रॉस, जिन्होंने भी वॉलंटियर्स दिए। तो ओवरऑल ये एक सक्सेसफुल मॉक ड्रिल रही है। इसीलिए ये मॉक ड्रिल की जाती है कि हम अपनी प्रिपेयरनेस देख सकें कि हमारे इंस्ट्रूमेंट क्या यहाँ पर हमारे पास हैं और क्या मिसिंग है। तो जो हमें लैक्यूनाज मिले हैं, जो कमियाँ मिली हैं, उनको अगली मॉक ड्रिल में शीघ्र ही दूर कर दी जाए। अब तो आप मोस्टली जो नॉर्मली तीनों ऑफिस में रहता है, एसपी ऑफिस, डीसी ऑफिस या दूसरे एडीसी ऑफिस में, तो ऑलमोस्ट सारे एम्प्लॉयज अंदर ही थे। 100-200-250 की तरह हमारे 80 डैमेज वहाँ अंदर काम करते थे। मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 250 से 300 के बीच में होंगे। इसके अलावा पब्लिक के लोग भी आते रहते हैं, वो भी आते हैं। आपको बता दें, पहली मंजिल पर जिस जगह आग लगाने की रिहर्सल की गई, वह एसपी कार्यालय की बैक साइड है, जहां ज्यादातर लोगों की आवाजाही भी नहीं रहती। लेकिन ऐसे में सवाल यह भी खड़ा होता है कि अगर हकीकत में सचिवालय के किसी कार्यालय में आग लग जाती है तो सरकारी रिकॉर्ड को जलने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मॉक ड्रिल के दौरान जिला सचिवालय में लगाए गए अधिकांश अग्निशमन यंत्र भी टाए-टाए फिश हो गए। देखना यह होगा कि मॉक ड्रिल रिहर्सल से प्रशासन में क्या बदलाव लेकर आती है। भारत 9 के लिए यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट।